हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डेन लॉ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1000 थाउजेंड एम सी क्यूज सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 151 सो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स लॉ इनकंसिस्टेंट और एवरेजिंग फंडामेंटल राइट्स आर डिक्लेयर वाइट बताइए अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स लॉ इनकन्सिसटेंस और एवरेजिंग फंडामेंटल राइट्स आर डिक्लेयर वाइड आर्टिकल ट्वेल्व आर्टिकल थर्टीन आर्टिकल इलेवन एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन आंसर इज थर्टीन एज मैंने बताया था कि आर्टिकल थर्टीन क्लॉज वन और आर्टिकल थर्टीन क्लॉज टू जो बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बात करता है जो भी कानून बनता है वो अगर इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से तो वो उसको पास नहीं किया जाएगा तो ये मैंने आपको बताया था आप देख लेना इसको जो डॉक्टर आइन ऑफ एक डॉक्टर आइन ऑफ सेवरे भी इसमें डिस्कस किया था पहले वाले एम सी क्यू लेक्चर सीरीज में सो कम जो क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट परटेन्स टू द एंटी डिफेक्शन लॉ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट परटेन्स टू द एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था सो so, इट इज़ नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट नाइन्टी फर्स्ट अमेडमेंट एक्ट में जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो लाया गया था टू थाउजेंड थ्री इसके बारे में चर्चा दो हजार दो में होने लगी थी ओके सो आई थिंक एंटी डिफिक्शन लॉ तो जानते ही हो गए आप इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स ओवर द विल ऑफ द पीपल विल ऑफ़ दीपल इसमें कहा गया कि जो संविधान है वो कहीं ना कहीं प्रिवील करता विल ऑफ़ द पीपल पीपल के लिए वो बात किया गया इसमें कौन सा बी आर कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर एस चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब महेंद्रा लाल दास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार बी के मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर बताइए इसका हो जाएगा बी आर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु कम टू नेक्स्ट वन दटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर लाइफ फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ सिक्स ईयर्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट क्या होगा आंसर इसका वन का तो ये हो जाएगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट ओके Come to next the नाइन्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल

यानी कि यह किसके लिए था एस और एस के लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के आ, के लिए सेपरेट कमीशन की मांग हुई थी ओके नाउ कम टू नेक्स्ट

फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है ओके तो आर्टिकल 19 कौन से वाले में सस्पेंड होता है तो 156 हो जाएगा 358 आर्टिकल 358 सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स देखिए बट आर्टिकल 359 जब इम्पोज होता है तो 359 में सस्पेंड नहीं होता है आर्टिकल 19 लेकिन 358 में सस्पेंड हो जाता है नो कम टू बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉगली मैच्ड कौन इनमें से गलत मैच किया गया है चलिए देखते हैं प्रेजिडेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सही है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड सॉरी प्रूव्ड मिस बिहेवियर ऑफ कैपेसिटी मेंबर ऑफ यूपीएससी मिस बिहेवियर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वायलेशन ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन किस चीज़ में बात की गई इलेक्शन कमीशन थ्री टू फोर देख लीजिएगा आर्टिकल कम टू नेक्स्ट वन द रिमूवल ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर फ्राम द पोस्ट डू नॉट रिक्वायर अ टू थर्ड मेजोरिटी रिजोल्यूशन इन पार्लियामेंट अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर जो संवैधानिक पद पर रहते हैं उनको अगर हटाना होता है तो दो ठर्च मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है पर इनमें से कौन सा ऐसा ऑफिसर हैं जिनको मतलब हटाने के लिए वो चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू थर्ड मेजोरिटी जो होता है वो पास करने की ज़रूरत नहीं है तो वो चेयरमैन ऑफ यू पी एस सी बाकी कंप्यूटर ऑडिटर ऑडिटर जनरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जज ऑफ हाई कोर्ट हो गया कम टू नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीकर इज करेक्ट ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट हिज रेजिग्नेशन विल बी एड्रेस टू द डेप्टी स्पीकर ही लोजेज हिज ऑफिस इफ़ द हाउस इज डिजॉल्व ही हैज़ द मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या हो जाएगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बोल रहा है तो 159 का जो करेक्ट है वो है हीज रेजिग्नेशन विल वी डिक्लेयर टू द डेप्टी स्पीकर एज यू नो कम टू नेक्स्ट वन इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51 ए में बात करता है ना देख लीजिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से ईयर में इंकॉर्पोरेट किया गया था हमारे संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में सो नाइनटीन नाइनटीन सेवनटी फोर नाइनटीन सेवनटी सिक्स कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो बताइएगा आप नाइन्टीन uh, वाला नाइनटीन वाला कमेंट में बताइएगा व्हाट रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट समझ गए व्हाट रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट टू कन्विक्ट ऑफ डेथ सेंटेंस रिप्लाई पार्डन कॉमिटिशन ऑफ पनिशमेंट देखिए रिप्लाई कॉमिटेशन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अब पार्डन बिल्कुल ये होता है कि आप पूरी तरह से उसको माफ कर दे रहे हो वो प्रेजिडेंट के पास पावर है पर गवर्नर के पास है या नहीं है तो ये हो जाएगा पार्डन जो है नहीं है कम टू नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ विल डू नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट डेट इज बिल ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अब यह बिल ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जान लीजिएगा थोड़ा देख लीजिएगा आप गूगल करके भी देख लीजिएगा ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कवर्ड एंड मेक रूल्स फॉर द रिक्यूपमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ दर्स अपॉइंटेड टू एंड ऑल इंडिया सर्विसेज में तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट से और इसके बारे में अपॉइंट कर सकती किसी व्यक्ति को फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए तो so, आप इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा कम टू next question. who can be removed by the president at his pleasure? who can be removed by the president at his pleasure? election commissioner, attorney general, comptroller and auditor general, upsc chairman, to 163 kahojaga b. attorney general. okay. who can be removed by the president? attorney general. the supreme court of india gives advice to the president on a matter of law or fact. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव्स एडवाइस टू द प्रेजिडेंट ऑन द मैटर ऑफ लॉ फैक्ट इफ सिक्स एडवाइस जाहिर सी बात है जब भी राष्ट्रपति चाहेंगे तो वो उच्चतम न्यायालय से वो एडवाइस ले सकते हैं किसी केस से रिलेटेड इनको पावर दिया गया है संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति का ये सो इट इज द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट एंड टू टेक अ लीगल एड एंड एडवाइस फ्राम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है और उससे उनको पावर देता है राष्ट्रपति को जो कि आर्टिकल किस में देता है बताइए 143 पढ़ लीजिएगा इसके लिए कम टू द नेक्स्ट वन विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम द प्रेजिडेंट टू डिजोल्व लोकसभा dissolve लोकसभा नन अदर देन आर्टिकल 85 पढ़ लीजिएगा ये भी आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट द पीपल आर फ्री टू क्लेम और वेव द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड इवन द फंडामेंटल राइट्स द फंडामेंटल राइट डू नॉट हैव ओवर राइडिंग फैक्ट ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सा इसका आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बी द पीपल आर फ्री टू क्लेम और वेव द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट ओके ये गलत है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग ओके क्योंकि ये करा है क्लेम और वेव ये कोई भी अपना फंडामेंटल राइट right को तो छोड़ नहीं सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी रॉन्ग है तो पीपल आर फ्री टू क्लेम और वेव द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट तो ऐसा सही नहीं है ओके okay, ये गलत है कम टू नेक्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड किस ग्राउंड से जो राइट right टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है इन इंटरेस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिसीजनसी एंड मॉरलिटी और इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक बताइए इसका आंसर क्या होगा इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक जो ग्राउंड दिया गया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता रिजर्वेशन ऑफ अ सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ द बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इज गवन बाई बताइए 168 का आर्टिकल 15 तो होगा ही जहाँ से बात है क्योंकि आर्टिकल 15 की जब भी बात करता है वो बात करता है वो रोकता है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसे ग्राउंड किस चीज को लेकर Uh, धर्म को लेकर रेस को लेकर कास्ट को लेकर सेक्स यानी जेंडर को लेकर प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर तो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है और इसमें जो स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है जो आप पंद्रह क्लॉज चार पढ़िएगा यानी वैन यू विल रेड फिफ्टीन क्लॉज फोर देन यू विल सी देयर जैस वो बताया गया है कि जो क्लॉज टू में जो चीज़ बोली गई है फिफ्टीन क्लॉज टू में यानी फिफ्टीन क्लॉज टू में क्या बात कहा गया है कि देर शुड बी नो डिस्क्रिमिशन नो सिटीजन सेल विद द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ पे कुछ नहीं होगा बट ये बोलता है कि फिफ्टीन क्लास फोर ये बोलता है कि देखिए वो तो बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लेकिन uh, ये फिफ्टीन क्लॉस फोर ये बोलता है कि जो भी आर्टिकल सब क्लास टू में दिया गया है जो ट्वेंटी नाइन सेल्फ प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन ट्वेंटी नाइन आर्टिकल जैसे आपको पता है ट्वेंटी नाइन में क्या बात किया गया है नहीं है तो आप एक बार देख लीजिएगा ट्वेंटी नाइन में बात किया गया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी को लेकर और इसके लिए कोई अगर ऐसा एस सी एस टी एक्ट के लिए और या फिर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए कुछ ऐसा गवर्नमेंट बनाती है कमीशन या फिर कुछ ऐसे चीज़ें को गठन करती है जिससे कि इनके डिस्क्रिमिनेशन होता है पर फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं इनको ओके okay, माइनोरिटी को लेकर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से जो लोग बिलोंग करते हैं महिलाएं बिलोंग कर रही है उनको बढ़ावा देने के लिए ओके okay, सो so आप इसको देख लीजिएगा एक बार द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट अटॉप अ प्राइवेट बिल्डिंग्स इज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन इज एंड एवरी सिटीजन जाहिर सी बात है अपना मूल अधिकार है और आर्टिकल 19 की जब बात करें तो वह प्रोटेक्ट करता है सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है पीसफुली विदाउट आर्म है एसोसिएशन बना सकते फ्रीली घूम सकते तो सारी चीज़ें हैं सही है पर 19 क्लॉज वन सब क्लॉज ए इसका आंसर होगा ये वन का क्योंकि नाइनटीन क्लॉज वन सब क्लॉज ए बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो ये क्या है कि सर्टन राइट है रिगार्डिंग दिस कम टू द नेक्स्ट वन हु ओथ ऑफ़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट प्रेजिडेंट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन एडमिनिस्टर करता है जो ओथ है गवर्नर का जो ओथ है उसको तो चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट इसमें लगाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो कंसर्न हाई कोर्ट है हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन बी इलेक्टेड एज ए प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एनी नंबर ऑफ टाइम्स ओके नेक्स्ट वन सुप्रीम सेल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट सेल भी होगा यहां पर सुप्रीम कोर्ट सेल कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विच आर्टिकल प्रोवाइड सो वन ट्वेंटी नाइन ये जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो इसको देख लीजिए कौन सा आर्टिकल है आप बताइए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास दो तरह के अधिकार दिए गए पावर है जजमेंट जैसे प्रोसीडिंग होता है या फिर कोई एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का जो परपिचुअल मेमोरी या टेस्टी होता है तो दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी एविडेंट्री वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बेन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट तो ऐसे चीजें जो होती है कोई जजमेंट है कोई प्रोसीडिंग है जो प्रेसिडेंट्स है तो प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं वो सारी चीज़ रिकॉर्डेड होता है मेमोरी एज अ मेमोरी टेस्टिंग जो भी कर सकते हो तो एविडेंट्री वैल्यू होता है इसको इस पर आप सवाल जवाब नहीं कर सकते तो कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल देख लेना आर्टिकल तो आपको याद करना ही पड़ेगा वन The power द पावर ऑफ article अंडर आर्टिकल सेवेंटी टू ग्रांड द पार्डन अनलिमिटेड लिमिटेड क्या हो जाएगा जाहिर सी बात है अनलिमिटेड पावर है प्रेजिडेंट के पास द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज आर रिफ्लैक्टेड इन द प्रियम्बल फंडामेंटल राइट जाहिर सी बात है प्रियम्बल है हार्ट एंड सोलब कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल और प्रीएम्बल जो है वो कहीं कही ना कहीं एक बेस है और बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का ओके एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट केशवा नंदा भारती वाला केस याद है ना कम टू नेक्स्ट विच आर्टिकल प्रोहिब्स द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेनटेन बाई द स्टेट बताइए कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो होता है धार्मिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं समझ गए संस्थाएं हैं धार्मिक जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि होली मेंटेन बाई स्टेट है प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 26, 29, 27, 28 बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर आराम से पढ़ लीजिएगा इसका इसका आंसर हो जाएगा 28. 28 में क्या बताया गया है बताइए 28 में कहा गया है कि फ्रीडम है एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्सिप इन सर्टिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन समझ गए पढ़ लीजिएगा एक बार कम टू नेक्स्ट वन इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लोअरिंग ऑफ मिनिमम मार्क्स लोअरिंग लोअरिंग ऑफ मिनिमम मिनिमम मार्क्स फॉर एडमिशन टू अपर स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स इन फेवर ऑफ़ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि लोअरिंग ऑफ मिनिमम मार्क्स फॉर एडमिशन जो मिनिमम मार्क्स होता है एडमिशन के लिए इट इतार सुपर स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन फेवर ऑफ़ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा गया था ओके कौन सा ऐसा था केस बताइए ये केस था प्रीति श्रीवास्तवा वर्सेज स्टेट ऑफ एम पी पढ़ लीजिएगा इस केस को एक बार विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल सिक्सटीन विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल सिक्सटीन कंटेन्स प्रोविजंस फॉर अ बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज आर्टिकल सिक्सटीन देखिए आर्टिकल सिक्सटीन की बात करें तो ये बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है इक्वलिटी होना चाहिए मीन्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो इसमें कहा गया कि वैकेंसीज रिलेटेड टू एस सी के लिए जो अमेंडमेंट आया था वो अमेंडमेंट कौन सा था वही बताओ 177 में तो ये अमेंडमेंट था 16 क्लॉज 4 बी देखिए 16 क्लॉज 4 बी की अगर बात करें वो बात करता है क्या बताइए नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम Considering any unfilled vacancy of a year which are reserved for being filled up in the year in accordance with any provision for reservation made under clause 4. Okay, so clause 4a as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together. विथ द वैकेंसीज ऑफ द ईयर इन विच दे आर बींग फिल्ड अप फॉर द डिटरमाइनिंग द लाइक सीलिंग ऑफ 50 परसेंट रिजर्वेशन ऑफ़ द टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ऑफ दैट ईयर तो ये वाला पढ़ लीजिएगा इसका जो प्रोविजन बताया गया है आर्टिकल सिक्सटीन कंटीन बैकलॉग ऑफ वेकेंसीज रिलेटिंग टू एस सी की तो ये सिक्सटीन क्लॉज फोर भी बताया गया है कम टू नेक्स्ट वन टेलीफोन टैपिंग विद इन द ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ओके लाइक कंटेन इन क्लॉज टू ऑफ आर्टिकल नाइनटीन इज वायलेटिटिकल नाइनटीन क्लाज वन इट वॉज हेल्ड इन विच केस बताइए इसका आंसर सो ये हुआ था कौन सा केस था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्स यूनियन ऑफ इंडिया टेलीफोन टैपिंग कम्स अंडर द ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन टू ऑफ आर्टिकल नाइनटीन वायलेटिव ऑफ आर्टिकल नाइटी क्लॉज वन क्लॉज एके क्योंकि अब टू की बात करें तो इसमें बोला कि कुछ भी मतलब अब फ्रीडम तो दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नेशनल सोवनीटी की बात आ जाए इंटीग्रिटी की आ जाए तो वो कहीं ना कहीं इसको राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन का वो आ, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन दिया, दिया है रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया है समझ गए

देख लीजिए कम टू नेक्स्ट वन इन विच केस इट वाज हील्ड दैट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 इंक्लूड्स द राइट टू रिसीव इनफॉर्मेशन टाटा प्रेस वर्सेज एम टी एन एल द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इन आई बी आई एन बी वर्सेज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन एल आई सी वर्सेज मनू भाई डीसा क्या हो जाएगा किस केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 इंक्लूड किया था राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन ओके ये था द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आई एंड बी वर्सेज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगॉल आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल